Hello guys, welcome to the Industrial E&I Engineering. Today I am going to discuss about the signal distribution. It is also known as a smart transmitter. तो इसको अनबॉक्स करते हैं दोस्तों. जैसा कि देख पा रहे हैं अभी नया है, इसके बारे में आज बात करेंगे. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स. इट रिक्वायर्ड अ सिंगल चैनल आइसोलेशन बैरियर एंड इट्स रिक्वायर्ड अ 24 वोल्ट डीसी सप्लाई. इट ऑपरेटेड ऑन 24 वोल्ट डीसी सप्लाई. इनपुट ऑलवेज AI एनालॉग इनपुट सिग्नल विच इज टू वायर सिग्नल एंड द यू कैन से वन इनपुट सिंगल इनपुट एंड टू आउटपुट यू कैन टेक फ्रॉम हियर. डुअल आउटपुट इट मीन्स 0 to 20 milliamps और 4 to 20 milliamps यू कैन से. एंड इफ यू आर कम टू द लाइक वोल्टेज टर्म देन 0 to 5 volt और 1 to 5 volt. नेक्स्ट कम टू द सम फीचर्स पॉइंट. व्हाट आर द फीचर्स रिगार्डिंग दिस. फर्स्ट लाइक द डिवाइस सप्लाइज इज टू वायर ट्रांसमीटर इन हजार्डियस एरिया एंड ऑल्सो बी यूज विद द करेंट सोर्स. यू कैन यूज ऑल्सो एज अ करेंट सोर्स ऑल्सो. इट ट्रांसफर द एनालॉग इनपुट सिग्नल बिकॉज वी आर टेकिंग इनपुट एनालॉग सिग्नल. इट ऑल्सो टेंडेंसी टू ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल ओनली. एनालॉग सिग्नल टू द एरिया और टू द आइसोलेटेड आउटपुट सिग्नल यू कैन से. इफ यू आर कंपेयरिंग विद द लाइक बाई डायरेक्शनल, इट इज़ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन. इट विल डू बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन विद द इट्स सपोर्टेड फॉर द स्मार्ट ट्रांसमीटर यू कैन से दैट यूज द करेंट मॉडुलेशन यस टू ट्रांसमिट डाटा एंड वोल्टेज मॉडुलेशन टू द रिसीवर्स डाटा. And the output is selected as the current source or current sink or voltage source or via switches. Like we have one deep switches. Here you can see this one is the deep switches. By using this you can select the output setting. Here we have some information output setting like channel 1 and channel 2. Deep switches S1, S2, S3, S4. Right now it is at S1 and S4 is 1. And S2 and S3 is second, 2. Here we have channel 1, S1. S1 is the one and S4 is the one. You can see here. तो ये सब बातें हैं दोस्तों. अगर आते हैं दोस्तों इसके सर्किट पे, इंटरनली भी आपको मैं खोल के दिखाऊंगा कैसे बेसिकली काम करता है और इन अंदर में जो भी सर्किट उसके बारे में देखा. ये जो सर्किट है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, इस पर आप हार्ट कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ जो देख रहे हैं आप 6 और 7, 8 से आप आउटपुट ले सकते हैं. 9 नंबर में आप डीसी सप्लाई जो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 24 वोल्ट जैसा कि हम आपको बताया उसको कर सकते हैं. और अगर दोस्तों सोर्स और सिंक का बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं जिसमें सप्लाई जो टर्मिनल है हमारा. ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा इनपुट है. दिस वन इज द अलॉटेड फॉर इनपुट टीवी एंड दिस वन रिटन ओवर देयर 5 and 6, 7, 8 is for output and 9 and 10 is for supply, 24 volt DC supply. Next, if you are coming to the connections, the 1-2 single, 1-2, we have 1-2 like this one TV allotted for sink field side and 3-4 source, you can use as a source. If you are coming to the output end, कनेक्शन साइड में कंट्रोल साइड यू कैन से दैट इज लाइक 5, 6, 7, 8 इज द लाइक 5, 6, 7, 8 यस 7, 8 इज द सोर्स. अगर आप इसको चेंज कर देंगे, जस्ट रिवर्स कर देने से क्या हो जाएगा, ये सिंक में हो जाएगा. जैसे मान लीजिए अगर हम सोर्स में ले रहे हैं 5 को माइनस और 6 को प्लस, फिर 7 को माइनस 8 को प्लस, तो ये हो गया हमारा सिंक में यूज करेंगे. अगर इसका रिवर्स कर देंगे पोलरिटी को तो हो जाएगा सोर्स. उस समय क्या करना होगा, 5 को प्लस कर देना होगा, 6 को माइनस कर देना होगा, 7 को प्लस 8 को माइनस कर देना होगा, ये हो गया. और इसका जो आउटपुट सिग्नल है दोस्तों वो 0 to 20 milliamps या 4 to 20 milliamps यू कैन से और 1 to 5 volt और 1 to 5 volt यू कैन से यस. नेक्स्ट कम टू द सम आई विल शो यू हाउ वी कनेक्ट इट इन PLC इवन आफ्टर दैट द डिस्कशन स्पेसिफिकेशंस. हियर वी हैव वन लाइक पावर इंडिकेशन लैम्प जिससे हमको पता चलता है दोस्तों कि इसमें पावर है या नहीं. और ये जो सेटिंग के बारे में बताया दोस्तों, ये हमारा एज पर एप्लीकेशन एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको डीप स्विचेज को चेंज कर सकते हैं अगर आपको एज ए करेंट सोर्स लेना है
आपको वोल्टेज आउटपुट लेना है वो हमारा इसके हिसाब से आप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। ये हमारा दोस्तों जाके कनेक्शन हो जाते हैं जो हमारा चैनल है उसमें, और इस तरह के पोजिशंस में रहते हैं, आपको वर्टिकली दिखा रहे हैं ऐसे रहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इसको इंटरनली हम खोल कर ओपन करके दिखाते हैं आपको इसके अंदर का सर्किट क्या है क्या नहीं। तो इसको अभी ओपन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इसको ओपन करने के लिए मेरे को इस साइड से लॉक दिया है, उसको पुश करेंगे। जैसा कि देख पा रहे दोस्तों ये टोटली ओपन नहीं हो पा रहा, बहुत ही लिंक लगे हुए हैं। इसको ओपन करना रिस्की है क्योंकि अभी नया है दोस्तों, इसको ओपन नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों आप इस तरह से देख सकते हैं बहुत सारे इसमें सर्किट आईसी पीसीबी पे माउंट किया हुआ है। तो वर्किंग दोस्तों इसका अभी हम जस्ट आपको बता रहे हैं, ओवरव्यू यही है जो कि हम पीएलसी में इसको यूज करते हैं। बेसिकली दोस्तों अगर इसको कॉमन वे में समझेंगे तो देखिए, जैसे हम मैं समझा रहा हूँ आपको ये कहाँ यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक आपके पास दो प्लांट है, दो पीएलसी है या दो टीसीएस है, मान लीजिए तो आपके पास दो प्लांट है, दो आपके पास पीएलसी है। सपोज कि आप पहला प्लांट में आप एक इंस्ट्रूमेंट एयर यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहला प्लांट में हमारा एक इंस्ट्रूमेंट एयर है, उसके लिए एक पीटी होता है, उस पीटी को हम यूज कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं दूसरा प्लांट में भी जो उस पीटी में रीडिंग दिखाता है वही दूसरे वाले प्लांट में भी पीटी रीडिंग दिखाए, जो इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रेशर है उसको। तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए पहला पीएलसी दूसरा पीएलसी, तो पहला पीएलसी में हम आइसोलेटर लगा देंगे। आइसोलेटर लगाएंगे जैसा जिसका जैसा बताया आपको, इनकमिंग उसका सप्लाई देना है यहाँ से 9 नंबर 10 नंबर से, यहाँ से इनकमिंग सिग्नल देना है। तो क्या होगा, जो हमारा कार्ड से आएगा एक यहाँ आएगा, इनकमिंग यहाँ आएगा, और नेक्स्ट क्या होगा, एक यहाँ कार्ड से एक आउटपुट हमारा चला जाएगा वहाँ, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टीवी में जो हमारा पहले वाले प्लांट में कनेक्शन किए हैं। और दूसरा जो है कार्ड से एक यहाँ आ जाएगा इनपुट, और दूसरा आउटपुट यहाँ से लेके हम पीएलसी नंबर दो में डाल देंगे, इसका केबल के थ्रू पीएलसी नंबर दो में डाल देंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या है, पीएलसी वन में वन के लिए प्रेशर ट्रांसमीटर कॉमन हुआ, लेकिन वन टू के लिए दोनों में वो काम करेगा, वही प्रेशर हमारा दोनों प्लांट के लिए दिखाएगा। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम भी दिया गया है दोस्तों सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब एक कॉमन चीज़ है तो वहाँ आप इसको आप यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको कुछ कनेक्शन सब आपको दिखा देते हैं, जो भी हम बताए हैं उसका कनेक्शन देख लीजिए। इनपुट आउटपुट जो है डीसी वोल्टेज कहाँ से कैसे लिया है उसको आपको दिखाते हैं। चलिए तो देखिए हमारा सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसा कि देख पा रहे हैं आपको जैसा बताया, ये देखिए ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये वाला टीवी, एक नंबर हो गया हमारा सिंक का और दो नंबर का आउट का। तो सब कुछ हम अभी एक ही आपको दिखाएं, इसमें क्या है चार लगे हुए हैं, चार अलग अलग के लिए जितना हमको जरूरत है आउटपुट जी उसके हिसाब से हमको लगाना पड़ेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये देख रहे हैं सिंक हो गया, अगर हम दूसरी बारी की बात करें तो ये हो गया सोर्स। अगर हम इस साइड आ जाए आउटपुट में, तो आउटपुट में हम देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा आउटपुट यहाँ से एआई का लिया है, जैसा कि हम आपको बताए हैं एआई के यहाँ से लिया है आउटपुट। एक बगल वाले देख सकते हैं यहाँ से भी एक आउटपुट है, और सबसे पीछे वाले यहाँ पे देखिए आप गौर से, यहाँ पे लिखा है दोस्तों वीडी, वीडी मीन्स मतलब हमारा वोल्टेज सप्लाई है जो 24 वोल्ट आ रहा है। और ये जो दोस्तों देख रहे हैं आप 5-6 पे माइनस प्लस, तो अगर आपको इसको सोर्स है अभी आपको सिंक बनाना है तो क्या है कि पोलरिटी को रिवर्स कर देना होगा, बस यही। इस पोलरिटी को रिवर्स कर देंगे तो हमारे सिंक सोर्स को उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ये हमारा है। तो यही फंडा है हमारा दोस्तों वर्किंग का, यहीं से दोस्तों पीछे वाले टीवी में चला जाएगा। मान लीजिए पीएलसी के पीछे एक और है और कॉमन पॉइंट पे, और जिससे क्वालिटी पहले से प्रेशर ट्रांसमीटर हमारा वर्क कर रहा है और दूसरे को हमको वर्क करवाना है, तो दूसरे पीएलसी में उसी के थ्रू हम केबल को दूसरे वाले पीएलसी में उठा लेंगे और उसके बाद उसको हम कनेक्शन कर देंगे। लेकिन प्रेशर ट्रांसमीटर रहेगा दो अलग अलग, बट वैल्यू दोनों का सेम दिखाया, क्योंकि इसका जो प्रेशर ट्रांसमीटर का है उसी का बस हम अलग से एड्रेस ले लिए हैं, यही है वर्किंग इसका कैसे क्या काम करता आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, एक और वीडियो के साथ आता हूँ।